नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आपका स्वागत है मुकेश यादव कुकिंग स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साबूदाने और केले की खीर कैसे बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने सिर्फ साबूदाने की खीर बनाई होगी, लेकिन ये मैंने लेटेस्ट। तरीके से बनाया है साबूदाने और केले की खीर, तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट लगती है, खाना चाहिए। क्योंकि इस रेसिपी में मैंने अपना पूरा अनुभव आपको शेयर किया है, एक बार तो आपको घर पे जरूर बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। 100 ग्राम साबूदाने, 2 पके हुए केले, 1 अनार, 1 लीटर दूध। अब हम एक बाउल में साबूदाने को डालेंगे और इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे, ताकि इसका जो भी स्ट्रेच रहता है ना, मैल, वो सब निकल जाता है। इससे क्या है, खीर हमारी चिपचिपी नहीं बनती है। अब ये देखिए, एकदम साबूदाने साफ हो गए। अब हम ये भी पानी निकाल देंगे और इसमें गरम दूध डाल देंगे 3-4 चमचे। उससे क्या है, साबूदाने फूल जाते हैं अच्छे से, और इसे अच्छे से 15-20 मिनट रहने देंगे। अब हम एक कढ़ाई में दूध डालेंगे, और इसे चलाते रहेंगे, नीचे जलना नहीं चाहिए दूध। और हम केले को इस तरह से काटेंगे, और बारीक बारीक स्लाइस करेंगे। अब हम अनार को भी छील लेंगे, और इधर हमारा दूध भी उबल रहा है, इसे थोड़ा गाढ़ा करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी न करें। अब एक छोटे बाउल में हमें 1 चम्मच दूध डालना है, और इसमें केसर डाल देंगे। गरम दूध में केसर डालना है, उससे क्या है, केसर कलर भी छोड़ती है और टेस्ट भी आता है। अब ये हमने जो साबूदाना भिगोने रखा था, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे, ताकि साबूदाने फूल जाएं अच्छे से और मिक्स हो जाएं दूध में। इसे थोड़ी थोड़ी देर से हिलाते रहें। ये देखिए, हमारे साबूदाने सारे ऊपर आ गए हैं, ये फूल रहे हैं सब। ये देखिए, अब हम इसमें 3 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे, यानी कि चीनी। आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें बनाना डाल देंगे कटे हुए। बनाना हमारे एकदम पके होने चाहिए, कच्चा रहेंगे तो दूध फट सकता है। थोड़ा सा उबाल लेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। हमारी खीर तैयार हो गई है साबूदाने की, और आप बिना केले की बनाना है तो
तो केले डालने से पहले उतार लें। अब हम एक फ्राई पैन में थोड़ा देसी घी डालेंगे, और इसे गरम कर लें। अब इसमें काजू बादाम डाल दें, आपको जो भी डालना है, किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने काजू बादाम डाले हैं और इसको हल्का सा ही सेकना है। अब हम अनार डाल देंगे खीर में। अनार को नीचे उतार के ही डालना है। और हमने जो ड्राई फ्रूट रखे थे तल के, अब खीर हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें काजू बादाम डाल देंगे और घी भी डाल देंगे। दोस्तों, हमारा कोई भी वीडियो इसलिए लंबा रहता है ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आपकी कोई भी रेसिपी बनाए ख़राब ना हो। अब हम इसमें केसर डाल देंगे। देखिए, हमारी एकदम शानदार खीर तैयार हो गई, बनाना साबूदाने की खीर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।